गारेज किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गारेज किचन। आज मैं चना मसाला बनाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये 1/2 किलो चना है, इसको मैंने रात में भिगा कर लिया था, फिर मैंने उसको कुकर में सीटी दो सीटी निकाल के इस तरह से गला कर ली। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर रखा है, और ये 2 बड़े चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर, ये 2 छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर है, नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी हमने थोड़ा नमक डाला था, और 1 बड़ा चम्मच शक्कर लगेगा, इमली का पल, हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच राय और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। ये इमली को मैंने आधा घंटा पहले भिगा कर उसको निचोड़ कर उसका पल्प लिया है, और इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे इमली के पल्प में। ये चना चटपटा अच्छा लगता है, मीठा खट्टा, इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे पल्प को शक्कर के साथ। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। ये 2 बड़े चम्मच मैंने तेल गर्म होने के रखा है, उसमें मैं राय डालूंगी। सबसे पहले तेल गर्म हो चुका है, राय को अच्छा फूटने देंगे, उसके बाद सारे मसाले ऐड करेंगे। इसको हाई फ्लेम पे ही राय को गर्म करके लेंगे। ये देखिए राय हमारी हो रही है। अब गैस को मैं कम करूंगी और इसमें मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं इमली का पल्प डालूंगी, खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मसाले को हम थोड़ा भुनेंगे गैस एकदम लो रखकर। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, इसको अच्छे से नमक को मिक्स करके लेंगे, और इसमें अब चना ऐड करेंगे। ये जल्दी बनने वाली रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए अब ये चना जो पानी के साथ रखा हुआ है मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मसाले में चने को हम 5 मिनट तक अच्छा पका कर लेंगे, ताकि सारे मसाले हमारे चने में मिक्स हो जाए और मसाले का फ्लेवर चने में आ जाए। ये देखिए चने में जितना पानी था उतना सूख गया है, इस तरीके से हम सुखा कर लेंगे, ऐसा मसाले वाला एकदम हो जाएगा। और ये देखो कलर भी बहुत अच्छा आया है, लेकिन ये तीखा नहीं है, मैंने तीखी वाली मिर्ची पाउडर नहीं यूज करी हूँ। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और इसको मिक्स करके लेंगे। अभी हमारा चटपटा काबुली चना तैयार है, इसको अब मैं सर्व करूंगी। ये देखिए हमारा चना मसाला बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।